दोस्तों, अगर आप मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो मानू बीएड एंट्रेंस टेस्ट की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। हम मानू बीएड एंट्रेंस टेस्ट के सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। सिलेबस बेस्ड कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम मानू बीएड एंट्रेंस टेस्ट के पिछले वर्षों के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ आपको पाठ्यक्रम आधारित सैंपल पेपर दिया जाएगा, जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस और बेहतर तैयारी कर पाएंगे। हमारे वीडियोज के कंटेंट केवल और केवल एक सैंपल है, और हाँ, ये हमारे नोट्स का ही पार्ट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। इक्यासी नंबर, बंदूरा का कहना है कि बच्चे मॉडलिंग के जवाबात के जरिए सीखते हैं, जिसे डैश भी कहा जाता है। ये जो होते हैं मुशाहिदाती सीखना कहलाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है 82 नंबर, डैश के मुताबिक अदम, अहम और पुर अहम शख्सियत के तीन अज्जा हैं। ये जो डिफिनेशन देने वाले थे साइकोलॉजिस्ट, ये फ्रायड थे। अगला सवाल है 83 नंबर, बच्चों की लिसानी सलाहियतों का अंदाजा लगाने के लिए सबसे ज्यादा मददगार है। बच्चों की लिसानी सलाहियतों का अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर होगा बच्चों और उस्ताद के दरमियान रस्मी तामील। जब बच्चे और उस्ताद के दरमियान रस्मी तामील रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, तो लिसानी सलाहियत में इजाफा होगा। अगला सवाल है 84 नंबर, पैमाइश की दर्द जैल सतहों में सबसे बेहतर कौन है? पैमाइश की जो दर्द जैल सतह है उसमें सबसे बेहतर है तनासुब, जिसे अनुपात कहा जाता है। यानी पैमाइश अगर आप करना चाहते हैं तो अनुपात का सहारा लें। अगला सवाल है सीखने की मुंतकली के दो अंसर नजरिए का मौजिद कौन है? सीखने की जो मुंतकली के दो अंसर नजरिए थे उसके मौजिद यानी इजाद करने वाले स्पीयरमैन थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मुंदरदा ज़ैन में कौन सा सवाल बच्चों की जबान की सलाहियत को बढ़ाने में ज्यादा मददगार है? यहाँ पर चार सवाल दिए हुए हैं, आप ऐसे सवाल की तलाश करें जो बच्चे के जबान की सलाहियतों में इजाफा करे। वो सवाल है तितली ने कली ने क्या खेल खेला, तितली और कली ने क्या खेल खेला। अगर आप जानना चाहते हैं बच्चों की जबान में तो बच्चे अपने अपने हिसाब से इस सवाल का जवाब देंगे। अगला सवाल है 87, सीखने में आजमाइश और गलती का उसूल किसने पेश किया था? आजमाइश और गलती का उसूल, जिसे प्रयास और भूल का नियम कहते हैं, वो देने वाले साइकोलॉजिस्ट थे थॉर्नडाइक। अगला सवाल है पढ़ने की खराबी का ताल्लुक क्या है? बहुत सारी खराबी है जिसमें डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, रिफ्लेक्सिया ये सब आते हैं, लेकिन पढ़ने की जो खराबी होती है उसका ताल्लुक डिसलेक्सिया से है। अगला सवाल है पसमानदा बच्चों के मसाइल दर्द ज़ैल में कौन से हैं? पसमानदा जो पिछड़े बच्चे होते हैं उसके मसाइल क्या है? क्या उन्हें कम तालीमी कामयाबी मिलती है, या उन्हें जज्बाती मसाइल से सामना करना पड़ता है, या वो समाजी मसाइल के शिकार हैं? सही जवाब हो जाएगा पसमानदा बच्चे ये सभी मसाइलों के शिकार हैं। अगला सवाल है 90 नंबर, बच्चे की शख्सियत को मुतासिर करने वाला आंसर है। बच्चे की शख्सियत को कौन सा आंसर मुतासिर करता है? वो मोरूसियत और माहौल है। मोरूसियत और माहौल बच्चे की शख्सियत को मुतासिर करता है। अगला सवाल है अगर कोई तालिब इल्म आपकी इज्जत नहीं करता है तो हम क्या करेंगे? अगर कोई तालिब इल्म हमारी इज्जत नहीं करता है तो हम इसे नजरअंदाज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसे इम्तिहान में कम नंबर दे दें, उससे इज्जत की चाह रखें, उसके वालिदैन से बात करें, बल्कि हम इसे नजरअंदाज करेंगे, बच्चे हमारी इज्जत खुद करेंगे। अगला सवाल है मुंदरदा ज़ैन में कौन सी टीचिंग लर्निंग की सतह नहीं है? टीचिंग लर्निंग की जो सतह होती है उसमें इम्तियाजी सतह टीचिंग लर्निंग से ताल्लुक नहीं रखता।
बल्कि याददाश्त की सतह, उक्कासी की सतह, तफहीम की सतह सब टीचिंग लर्निंग के हिस्से हैं। अगला सवाल है 93, किरदार की नशोनुमा होती है। किरदार की जो नशोनुमा होती है वो मर्जी के मुताबिक भी होती है, रवैये के मुताबिक भी होती है, अखलाकात के मुताबिक भी होती है, यानी ऊपर के तमाम। अगला सवाल है 94, आजमाइशी और गलती में सबसे अहम क्या है। आजमाइश और गलती में जो सबसे अहम होता है वो मकसद होता है। इंसान गलती से सीखता है, आजमाइश से सीखता है, लेकिन जब तक कोई मकसद न हो तो वो नहीं सीख सकता। अगला सवाल है 95, उस्ताद को होमवर्क चेक करना चाहिए। अगर आप उस्ताद हैं तो क्या बच्चों के होमवर्क चेक करना चाहिए और कब? कभी कभी चेक करना चाहिए, कभी नहीं चेक करना चाहिए, बाकायदगी से चेक करना चाहिए यानी रेगुलर चेक करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है जब तालिब इल्म पूछता है तो चेक कर लेना चाहिए। अगर आप उस्ताद हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के होमवर्क बाकायदगी के साथ चेक करें यानी रेगुलर चेक करें। अगला सवाल है बुनियादी जबान की महारत है। बुनियादी जबान की जो महारत है ये हमेशा हासिल की जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 97, मुंदरदा ज़ैल में कौन सा इदारा समाजी रवायात की तरसीद में सबसे ज्यादा ताउन करता है। वो इदारा फैमिली है, परिवार है, बच्चे के माँ बाप है जो समाजी रवायत की तरसीद में सबसे ज्यादा ताउन होता है। समाज में क्या चल रहा है, समाज का क्या नजरिया है, बच्चे को इसकी वाकफियत उसके फैमिली के लोग कराते हैं। अगला सवाल है 98, सीखने के अमल में पहला कदम क्या है। सीखने के अमल में पहला कदम तजस्सुस होता है जिसे जिज्ञासा रुचि कहते हैं। अगला सवाल है 99, तालीम एक तश्कील नौ और तामीर नौ का तजर्बा है जो जारी है। तालीम जो होता है ये मुसलसल जारी रहता है। लास्ट सवाल है 100 नंबर, ज़हानत के बारे में दर्ज़ैन में कौन सा कौल दुरुस्त है। ज़हानत के बारे में जो कौल दुरुस्त है वो है ज़हानत कसीर जहती है और इसमें बहुत सी सलाहियतें शामिल है जो पूरी तरह से इंटेलिजेंस टेस्टों से नापी जाती है। इंटेलिजेंस कहते हैं आपकी बुद्धि को, काबिलियत को, ज़हानत को। ज़हानत का जो टेस्ट होता है उसे इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इन सवालात से मुतमईन होंगे। आगे तैयारी जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com को विजिट करें और हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही साथ मुकम्मल नोट्स हासिल करने के लिए राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ की शक्ल में भेज दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।